नमस्कार दोस्तों, ये क्लास टेंथ का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। ये हमारा पार्ट टू है। पार्ट वन में हमने दो क्वेश्चन देख लिए थे, उसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये। पहला क्वेश्चन है एक और आज का कि इन द गिवन फिगर, ये जो फिगर बना हुआ है, इफ़ सी डी इक्वल टू 17 मीटर, यानी जो ये सी डी है ये 17 मीटर है, बी डी 8 है और ए डी आपका ये 4 दिया हुआ है, तो फाइंड द वैल्यू ए सी। तो आपको ये ए सी की वैल्यू निकालनी है। तो अब इस त्रिभुज में देखो ध्यान से, तो इसमें हमें ये 90 भी दिया हुआ है, ये 90 था चित्र में ही। उसके बाद ये आपको 17 दिया है, ये 8 दिया है, ये 4 दिया है इतना, और ये आपको ए सी निकालना है। तो पहले ये इस ट्रायंगल में आप पाइथागोरस से ये वाली भुजा पता कर लो, जब ये पता चल जाएगा तो 8 4 12 लेकर और ये लेकर, फिर पाइथागोरस से ये भी पता चल जाएगा। तो मैं दिखा देता हूँ करके। इन ट्रायंगल ले लेंगे सी बी डी, तो लिख दो सी बी डी में, इसमें एंगल बी 90 डिग्री है, तो यहाँ पर लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, तो फिर बन जाएगा ये हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूस हो जाएगा सी डी का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर बी सी का स्क्वायर, और प्लस बेस हो जाएगा बी डी का स्क्वायर। सी डी आपका 17 दे रखा है, तो 17 का स्क्वायर, बी सी आपको पता करना है, और बी डी हो जाएगा 8 का स्क्वायर। तो बी डी आपको दिख रहा है 8 है। उसके बाद 17 का स्क्वायर होता है 289, 8 का स्क्वायर होता है 8 64, ये 64 इधर आके घट जाएगा, तो 225 आ जाएगा। 225 15 का स्क्वायर होता है। उसके बाद 15 का स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर से स्क्वायर हट जाएगा, बी सी बराबर 15 सेंटीमीटर आ जाएगा। उसके बाद आपको बी सी पता चल गया। अब आप कौन सा ट्रायंगल लोगे, ये बड़ा वाला, इसका नाम हो जाएगा सी बी ए में एंगल बी बराबर 90 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगा। फॉर्मूला होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस होता है ए सी का स्क्वायर बराबर में लंब बी सी का स्क्वायर, और आधार ये पूरा हो जाएगा ए बी का स्क्वायर। तो ए सी का स्क्वायर आपको निकालना है, बी सी आपने अभी 15 निकाला था, और ए बी में हो जाएगा 4 जमा 8 का होल स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर 225 होता है, और 8 4 जुड़ के 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा, दोनों जुड़ जाएगा तो 369 हो जाएगा, और ये स्क्वायर जाके रूट चढ़ जाएगा, बाकी यही आंसर लिख देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन जो था करना था। अगला क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है हमारे पास, जो एग्ज़ाम में मतलब आते हैं। तो हमारे पास अगला क्वेश्चन है जैसे कि इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर जीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल, ये आपको पॉलिनोमियल दे रखा है एफ एक्स इक्वल टू एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस का के। तो कहता है इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर जीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल सच दैट, और इस प्रकार है कि अल्फ़ा माइनस बीटा नो है, तो फाइंड के, आपको के की वैल्यू पता करनी है। तो बस यहाँ पे हम पहले फंक्शन लिख लेते हैं, लिख देंगे गिवन है फंक्शन कि वो है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस का के। तो यहाँ पे लिख देंगे एग्ज़ाम में कंपेयरिंग विद, इसका कंपेयरिंग कर लेंगे ए एक्स स्क्वायर से बी एक्स प्लस सी से कंपेयर कर लेंगे, तो ए के एलू 1 बी के एलू माइनस 1 और सी के एलू माइनस के आ जाएगा। फिर उसके बाद हम वी नो दैट, हम जानते हैं एक फार्मूला कि सम ऑफ जीरोज, जो शून्यकों का योग होता है वो होता है माइनस बी अपॉन ए के बराबर। तो अल्फ़ा प्लस बीटा ही शून्यक थे, तो माइनस बी, बी के एलू माइनस वन है तो माइनस वन, और ए के एलू वन है तो माइनस माइनस प्लस वन अपॉन वन, यानी एक आ गया। अब हमें गिवन था कि जो अल्फ़ा माइनस बीटा है वो नो है, तो ये दो मान लो, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो। तो अल्फ़ा प्लस बीटा आपको 1 आया था इक्वेशन फर्स्ट मान लो, और गिवन है 2 मान लो। अब इन्हें लिखो एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, अब इन्हें ऐड करके सोल्व कर दो। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 1 लेके, अल्फ़ा माइनस बीटा बराबर 9 लेके ऐड करो, तो 2 अल्फ़ा बराबर 10 हो जाएगा,
अल्फा बराबर 10 बटा 2 हो जाएगा और कट के 5 हो जाएगा, सही है। अल्फा की वैल्यू 5 आ गया तो हमें अल्फा प्लस बीटा का मान 1 था, अल्फा की जगह 5 पुट कर दो तो बीटा भी आ जाएगा। बीटा निकालने के लिए ये 5 उधर घट जाएगा तो बीटा की वैल्यू 4 आ जाएगा, माइनस का 4। तो हमें अल्फा बीटा ही चाहिए था, वो मिल गया। और अब आपको के की वैल्यू निकालनी थी, तो प्रथम में बोला था कि के की वैल्यू निकालो, तो इधर के भी लिखा हुआ था। तो अब के की वैल्यू आपको निकालनी थी, तो अब आप जानते हो कि जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है, यानी जो शून्य को गुणनफल होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, वो आपका सी अपॉन ए होता है। तो अल्फ़ा गुना में बीटा बराबर सी अपॉन ए होता है। तो अल्फ़ा की वैल्यू आपकी आई थी अभी 5 और बीटा की वैल्यू आई थी माइनस 4, और सी की वैल्यू यहाँ आप कंपेयर करोगे तो माइनस के, और ए की वैल्यू हो जाएगा 1। ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस का बी बराबर माइनस का के, और माइनस कट जाएगा तो के की वैल्यू 20। तो आपका आंसर के की वैल्यू 20 आ जाएगा, ठीक है।